हाँ जी, NBS PGT इकोनॉमिक्स लेक्चरर की पोस्टें आ गई है ना, तो मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। 22 जो है मतलब 2022 के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें क्या रहेगा। इसमें जो आपका है नेगेटिव मार्किंग है 1/4, ठीक है। ड्यूरेशन है 180 मिनट है। इसके बाद इसमें पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, जैसे पार्ट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस जो कि 10 मार्क्स की है, ठीक है, टोटल 10 मार्क्स की है। सेकंड पार्ट में क्या रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी होगी जो कि 20 मार्क्स की है। देन उसके बाद पार्ट 3 की बात करें तो ICT कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो कि 10 मार्क्स का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट, जिसमें आपने क्या करना है, टीचिंग एप्टीट्यूड करना है 10 मार्क्स का। उसके बाद 5th पार्ट आपने क्या करना है, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो आपका सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स की बात हम कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स का 80 नंबर का काम आएगा। बाकी जो भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एंड जो 6th पार्ट तो सबका सेम रहेगा, बट 5th पार्ट सबका अलग अलग होगा। इकोनॉमिक्स का 80 नंबर का काम आएगा। देन 6th पार्ट में क्या रहेगा, लैंग्वेज होगी कंपलसरी, जनरल इंग्लिश 10 नंबर की एंड जनरल हिंदी वो भी 10 नंबर की, तो टोटल 20 नंबर। तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी ये वाली लैंग्वेज चेक होगी, तो इसमें आपको 40% मार्क्स चाहिए, समझ रही हो, 40% मार्क्स चाहिए। नियर अबाउट मान के चलो कि 20 में से आपके नियर अबाउट 9 से 10 नंबर कंपलसरी हैं। अगर आपके 9 से 10 मार्क्स बन गए तभी आपके बाकी पार्ट चेक होंगे, अदरवाइज बाकी पार्ट भी चेक नहीं होने वाले, ठीक है। और एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी है 22 जुलाई लास्ट है, तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आपने वही है कि ये मत सोचना कि पेपर नहीं देंगे, है ना, ज्वाइन नहीं करना, ज्वाइन करना है नहीं करना जो भी आपका है, बट आपने क्या करना है, आपने पेपर ज़रूर देना है, समझ रहे हो, पेपर आपने ज़रूर देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या करना है। 18 टॉपिक्स हैं टोटल। उसके बाद जर्नल हिंदी के आपके 9 टॉपिक हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, वीडियो पॉज करके अपने टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा। जर्नल इंग्लिश की बात करें तो जर्नल इंग्लिश के टोटल 15 टॉपिक हैं, है ना। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस की बात करें तो जर्नल अवेयरनेस के 16 टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो इसके 6 पार्ट हैं। इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या करने वाले हो, मैक्रो माइक्रो डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी एंड स्टैटिकल मेथड्स करने वाले हो। तो इसके अलावा अगर आपने कंप्लीट बैच लेना हो, है ना, कंप्लीट तैयारी करनी हो तो आप मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको नंबर दूंगी, ठीक है, आप बात कर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ लेनी हो या फिर, है ना, बाकी यूट्यूब्स पे जो भी क्लासेस चल रही है मेरी, है ना, यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप रेगुलर जो है देखते रहना। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना हो, देन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसके अलावा अपना ग्रुप है इकोनॉमिक्स हब, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपने सिलेबस के रिगार्डिंग पूछना हो, देन आप जो है कमेंट बॉक्स में या फिर ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, बाय।